ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूसी से होती है, जो अपने ट्विन्स के साथ अब्रॉड से वापस चाइना आई थी। सूसी एयरपोर्ट पर थे क्योंकि उनके ट्विन्स बहुत ही ज्यादा क्यूट थे, इसलिए एयरपोर्ट पर सभी उनको देख रहे थे और उन दोनों बच्चों की तारीफ कर रहे थे कि वह कितने ज्यादा क्यूट हैं, और उनको देखकर हमारे दिल पिघल जा रहा है। और यह दोनों बच्चे वाकई में क्यूट थे। सूसी की बेटी जिया बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी हरकतें कर रही थी, जिस पर सूसी का बेटा जियो यानी उसका भाई उसको टोकता है, पर जिया उससे कहती है, मैं अट्रैक्टिव हूँ ना, वैसे भी अपना चार्म दूसरों को दिखे न कौन सी गलत बात है। इस पर इन दोनों की मॉम सूरी हंसने लगती हैं। जिया सूसी से कहती है, मॉम अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। सूसी कहती है, जल्दी जाओ, देखो वॉशरूम सामने ही है। जिया जल्दी से भागकर वॉशरूम जाती है। अब एंट्री होती है हमारे मेल लीड जिंग की, जो कि वॉशरूम में ही था। हमें जिंग और जिया को एक साथ दिखाया जाता है। दोनों ही वॉशरूम से बाहर आकर अपनी पैर को झटकते हैं और कहते हैं, बैठने की वजह से हमारा पैर सुन्न हो गया। इसके बाद वह दोनों एक ही तरीके से हैंड वॉश करते हैं और फिर अपने बालों को ठीक करने लगते हैं, और दोनों एक साथ ही दूसरे को नोटिस करते हैं। जिंग अपने मन में सोचता है कि यह बच्ची कितनी ज्यादा क्यूट है। जिया भी अपने मन में सोचती है, यह अंकल कितने ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद फिर से दोनों अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं, पर दोनों एक जैसे ही हरकत कर रहे थे, इसलिए एक साथ एक दूसरे से कहते हैं, तुम मुझको कॉपी क्यों कर रहे हो। जिन शांत हो जाता है। जिया कहती है, तुम मुझको पोक कर रहे हो। जिस पर जिन कहता है, तुम्हें थोड़ा सा स्टेबल रहने की जरूरत है। ये सुनकर जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह कहती है, तो क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, और उसे पंच दिखाती है, जिस पर वह हंसने लगता है। जिया को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वह उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में उछालती और जमीन पर पटक देती है और वहां से चली जाती है। जियो वॉशरूम से बाहर आती है और अपनी मॉम सूसी से मिलती है। सूसी उससे पूछती है, तू सिर्फ वॉशरूम ही गई थी तो तेरे कपड़े इतने ज्यादा गंदे कैसे हो गए। जिस पर जिया कहती है, वॉशरूम में मुझे एक आदमी मिला था जो मुझे पोक कर रहा था। जब मैंने उसे साफ करने से मना किया तो उसने मुझसे कहा, आपने अशांत हूँ, इसलिए मैंने उसे जमीन पर पटक दिया और वह सेम मेरे जैसी हरकतें कर रहा था। वह दिखने में भी मेरे जैसा था। जिस पर जियो कहता है, कहीं वह हमारे डैड तो नहीं है। जिस पर जिया कहती है, बिल्कुल नहीं, मॉम ने हमें बताया है ना, हमारे डैड रॉकेट पर बैठकर चले गए हैं और वह अब कभी नहीं आएंगे। जिस पर सूसी कहती है, सही कहा, तुम्हारे डैड अब कभी वापस नहीं आएंगे, और उन दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। तभी वॉशरूम से जिंग बाहर आता है और पीछे से जिया को देखकर कहता है, आखिर ये बच्चे इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हैं, लेकिन ये कुछ जानी पहचानी लग रही है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फेस मास्क लगाकर बैठी हुई थी। तभी उसका दरवाजा नॉक होता है। वह दरवाजा खोलती है। दरवाजे के बाहर सूसी अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई थी। उसी के बच्चे जल्दी से उस लड़की को गॉड मदर कहकर हग कर लेते हैं, जिस पर वह लड़की कहती है, कौन गॉड मदर, मैं तुम्हारी गॉड मदर नहीं हूँ, आखिर तुम किसके बच्चे हो। और वह सूसी से भी कहती है, तुम कौन हो। जिस पर सूसी अपना चश्मा नीचे करती है तो वह लड़की जल्दी से अपना फेस मास्क हटाती है। वह उसे पहचान जाती है और जोर से चिल्लाकर उसे हग कर लेती है। ये दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थीं। इसके बाद हम सूसी को नूडल्स खाते हुए देखते हैं। उसकी बहन वहां पर आती है और उसे इस तरह से नूडल्स खाते हुए देखकर कहती है, तुम बिल्कुल ऐसे खा रही हो जैसे तुमने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। जिस पर सूसी कहती है, हाँ, कुछ दिनों से मैं भाग दौड़ में ही लगी थी, पिछले कुछ दिन बहुत हेडेक के थे। जिस पर उसकी बहन कहती है, क्या तुमको पता है गांव का मुखिया तुम्हारी शादी एक अमीर आदमी से करवाना चाहता है। जिस पर सूसी कहती है, मैं तुमको एक बात बताती हूँ, कुछ दिनों पहले मुझे ही एक अमीर आदमी मिला था क्योंकि वह मेरे प्यार में गिर गया, लेकिन फिर जब से मेरे बच्चों के बारे में पता चला तो वह बहुत एम्बेरस फील करने लगा। जिस पर उसकी बहन कहती है, तो उसे भाड़ में जाने दो, तुम नए पर ध्यान दो, वैसे तुम चाहो तो क्योंकि वह बहुत रिच था तो मेरे सेटिंग उसके साथ करा दो। जिस पर सूसी कहती है, ओके, ट्राई कर सकते हैं। सूसी की सिस बोलती है, वैसे अगर तुम वापस आ ही गई हो तो उस लेडी से भी मिल ही लेना। जिस पर वह कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मिलने वाली, क्योंकि जब मैं यहाँ से भागी थी तब मैं प्रेग्नेंट थी, अब मैं किस मुंह से जाकर उससे मिलूंगी, वैसे मैं वहां से भी भाग कर आई हूँ। जिस पर उसकी बहन कहती है, अगर तुम वहां से भी भाग कर आई हो तो वो लोग तुम्हें ढूंढेंगे, तो तुम अपने अकाउंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। और वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है, तो ये लो मेरा कार्ड, तुम इसे आराम से इस्तेमाल कर सकती हो,
क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। जिस पर वो अपना बैग खोलकर दिखाती है जो कि पैसों से भरा था। इसको देखकर उसकी बहन शॉक हो जाती है। वो सूसी से कहती है, ये पैसे कहाँ से आए और तुम इन्हें फ्लाइट से लेकर कैसे आई? तुमने 10 घंटे का सफर किया। सूसी कहती है, क्योंकि मैं इस समय बहुत रिच हूँ। वो पूछती है, पर ये पैसे आए कहाँ से? जिस पर वो कहती है, मैंने किसी के लिए काम किया था, वहाँ से आए हैं। यहाँ पर वो किसी मिरेकल डॉक्टर का भी जिक्र करती है और उसको बताती है, मुझे मिरेकल डॉक्टर की लोकेशन पता है। इसके बाद वो अपनी सिस्टर को कहती है, कल मैं केंडा कंपनी जाऊंगी, मैं वहीं पर जॉब करूंगी। जिस पर सूसी की सिस्टर बताती है, मैं भी उसी कंपनी में वर्क करती हूँ। वैसे चेंडा कंपनी को अब ये ग्रुप ने खरीद लिया है और ये ग्रुप को एक ओल्ड मैन चलाता है। सूसी कहती है, क्या तुम उससे कभी मिली हो? तो वो कहती है, नहीं, पर वो कल कंपनी आने वाले हैं। नेक्स्ट डे सूसी अपनी सिस्टर के साथ कंपनी जाती है। वह सूसी को मैनेजर जो से मिलवाती है और कहती है, आपको एक हेल्पर चाहिए थी ना, ये मेरी सिस्टर सूसी है। सूसी मैनेजर जो को अपना रिज्यूमे देती है। मैनेजर जो चेक करते हैं और उसे अप्रूव कर देते हैं। वो सूसी से कहते हैं, तुम न्यू प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हो और अभी हमारे न्यू प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो उनका अच्छे से वेलकम करना, ओके? सूसी की सिस्टर कहती है, मैनेजर जो, क्या न्यू प्रेसिडेंट ओल्ड हैं? जिस पर मैनेजर कहते हैं, तुमको ये किसने बताया, वो तो यंग हैं। तभी प्रेसिडेंट की कार आती है। मैनेजर कहते हैं, लो आ गए प्रेसिडेंट, उनका वेलकम करो। और वो सभी भागते हैं। न्यू प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो जांग था। जैसे ही वो कंपनी के अंदर आता है, सभी लोग उसका वेलकम करने लगते हैं। पर सूसी जैसे ही उसे देखती है तो वह सिर्फ यही कहती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और पायल से अपना फेस कवर करने लगती है। मैनेजर जो उसे कहते हैं, तुम ये क्या कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई? जांग भी उसे देखकर रुक जाता है। सूसी की सिस्टर कहती है, प्रेसिडेंट क्या हुआ? जिस पर वह उसे घूरने लगता है। मैनेजर सूसी को कहते हैं, तमीज से खड़े हो जाओ। जिस पर सूसी मैनेजर के पास जाती है और अपना मुंह टेढ़ा करके कहती है, मैनेजर मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे अर्जेंटली सर्जरी की जरूरत है, क्योंकि अचानक से मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। जिस पर मैनेजर कहता है, अचानक से ऐसा कैसे हो गया? वह कहती है, मुझे भी नहीं पता, पर मुझे तुरंत सर्जरी की जरूरत है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। पर तभी जुंग उससे फाइल छीन लेता है और उसकी फाइल देखते हुए कहता है, तो तुम मेरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर हो। और इसके बाद हम इन्हें दोनों को जुंग के ऑफिस में देखते हैं, जहां पर जेंट्स कहता है, तुम क्योंकि मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम्हें मिस्टर लू से मिलना चाहिए अकाउंट्स के लिए सिग्नेचर करने के लिए। जिस पर वह कहती है, पर मुझे नहीं लगता मैं ये जॉब कर सकती हूँ, मैं सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए काबिल ही नहीं हूँ। जिस पर वह कहता है, तुमको ऐसा क्यों लगता है? जिस पर वह कहती है, क्योंकि मैं बहुत अजीब हूँ, मैं बहुत ही अजीब हरकतें करती हूँ, तो बेहतर होगा कि आप मुझे जॉब से निकाल दें। जिस पर जुंग कहता है, तुमको क्या लगता है, मैंने उसे मेडिकल डॉक्टर को ढूंढ नहीं पाया, मैंने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराया है और इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। जिस पर सूसी कहती है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, तुमने 6 साल पहले भी यही किया था। जिस पर वह खड़ा होता है और उसके करीब आकर कहता है, 6 साल पहले तुमने वह सब पैसों के लिए किया था। और सीन फ्लैशबैक में 6 साल पहले जाता है, जहां पर सुशी और जांग रिलेशनशिप में थे और इन्हें दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। जांग उसे जाने से रोक रहा था, पर सुशी कहती है, मैंने तुम्हारी माँ से 5 मिलियन लिए हैं तुमसे ब्रेकअप करने के लिए, उन 5 में अपने ख्वाब पूरे कर सकती हूँ। जिस पर जांग कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। जिस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझको सिर्फ पैसों से प्यार है और मुझे वह 5 मिलियन हर हालत में चाहिए। जांग उसे जाने से रोकता है, पर वह उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उसका दिल तोड़कर वहां से चली जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सूसी उसको खुद से दूर धकेल देती है और कहती है, आफ्टर जितना हो सके उतना ही दूर रहना, और वहां से चली जाती है। उसकी जाने के बाद लांग कहते हैं, जांग कहता है, तुम अभी भी नहीं बदली, तुम अभी भी 6 साल पहले जैसी ही घमंडी हो। सूसी के वहां से जाने के बाद जेंट्स के पास उसका असिस्टेंट आता है, जो कि उसे बताता है, मिस्टर लुई के साथ मीटिंग है और हमें वहां पर जाना है, हम उनके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, और मिस्टर लुई को इस मीटिंग में उसे साइन करने हैं, और आपकी मीटिंग एक होटल में होने वाली है, मैंने सब अरेंज कर दिया। जिस पर लेंगे कहता है, वेरी गुड, और असिस्टेंट वहां से चला जाता है। अगले दिन हम एक होटल में उस मीटिंग को देखते हैं, जहां पर मिस्टर लुई के अलावा और भी बहुत सारे लोग थे।
यहाँ पर चायन के साथ सूसी भी थी क्योंकि वह उसकी सेक्रेटरी थी। मिस्टर लैंड के साथ बिजनेस की बातें कर रहे थे। वह पानी मांगते हैं, सूसी खड़ी होकर उन्हें पानी सर्व करती है, पर मिस्टर लुई सूसी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। वह कहते हैं, मिस्टर जैंग तो बहुत ही ज्यादा लकी हैं, उनके पास इतनी ब्यूटीफुल सेक्रेटरी जो है, और वह सूसी से कहते हैं, मुझे पूरा यकीन है मिस्टर जैंग तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करेंगे क्योंकि तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, और वह उसका हाथ छोड़ने का नाम नहीं लेते। पर सूसी उनसे अपना हाथ छुड़वा देती है और मिस्टर लुई से कहती है, हमारा जो कॉरपोरेशन है वह एकदम ओरिजिनल है, तो आपको हमारे साथ काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वह उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है, पर वह कहते हैं, अकेले ड्रिंक पीने का क्या मजा है, क्या यह ब्यूटीफुल लेडी हमारे साथ ड्रिंक नहीं पिएगी। यह सुनकर जैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह बहुत ही ज्यादा जलस महसूस कर रहा था। मिस्टर लुई सूसी को ड्रिंक ऑफर करते हैं, पर सूसी कहती है, पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पर एक बेटर आती है और वह सूसी के लिए पानी रखती है। तभी टेबल के नीचे से हाथ निकलता है और वे दोनों पानी की ग्लास एक दूसरे से बदल देती हैं। फिर वह हाथ को थम्स अप दिखाकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लुई सूसी से कहते हैं, मैं तो वैसे भी बुजुर्ग हूँ, मैं मिसिंग लिंक के साथ पीने में मुझे मजा आएगा, लेकिन अगर तुम पियोगी तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। जिस पर वह कहती है, मैं काम करती हूँ और मैं उनका हमेशा अच्छा चाहती हूँ, इसलिए मैं पीने को तैयार हूँ। जिस पर मिस्टर लुई कहते हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और वह जांग से कहते हैं, सच में तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत ही अच्छी है, तुमने इसे रख के बहुत ही अच्छा काम किया है। इसके बाद वह सूसी से कहते हैं, अगर तुम एक ड्रिंक लोगी तो मैं दो लूंगा, और अगर तुम दो लोगी तो मैं चार लूंगा, तुम जितनी भी लोगी मैं उसका डबल करता जाऊंगा। जिस पर सूसी हाँ बोलती है। मिस्टर लुई कहते हैं, हमें एक शर्त भी रखनी चाहिए, अगर तुम इसमें हार गई और तुम पहले रुक गई तो आज रात तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है। जिस पर जैंग चिढ़ते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये तो शर्त रखने में माहिर हैं। जिस पर लुई कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम इसके लिए अपनी सेक्रेटरी को सपोर्ट कर रहे हो, तो चलो शुरू करते हैं। सूसी मिस्टर लुई के पास ड्रिंक लेकर जाती है और सबसे पहले वही पीती है। जब वह एक शॉट लेती है तो उसे रिलायंस होता है कि यह तो पानी है, और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वेटर ने किस तरह से ड्रिंक को पानी के साथ बदल दिया था। मिस्टर लुई कहते हैं, वाह मिसेस सूसी, आप तो बहुत ही स्मार्ट हैं, आप तो एक शॉट में ही पी गईं। इसके बाद वह दो शॉट लेते हैं क्योंकि सूसी ने एक शॉट लिया था। सूसी अगला शॉट उठाती है तो जंग उसे रोकता है, जिस पर वह जेंट से कहती है, मुझे रोकिए मत, मैं आपकी वफादार हूँ। जिस पर मिस्टर लुई कहते हैं, वाह बहुत अच्छा मिसेस सूसी, आप जो वादा करती हैं आप उस पर टिकी रहती हैं, आप मुझे बहुत पसंद आई, चलिए अब पीना शुरू कीजिए। इसके बाद सूसी लगातार 5 शॉट्स लेती है, उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ की जाती है, और जब वह शॉट्स लेना शुरू करती है तो 3 माह की हालत खराब हो जाती है। वह नशे में होने का नाटक करती है ताकि सबको लगे कि उसने सच में पिया है, और कहती है, आज की मीटिंग यहीं पर खत्म होती है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा नशे में हूँ, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। पर मिस्टर लुई उसे रोक कर कहते हैं, ऐसे कैसे ले जा सकते हो, हमने शर्त लगाई थी, अगर मैं सूसी को नशा हो जाएगा तो वह मेरे साथ मेरे घर पर जाएंगी। जिस पर कहा जाता है, शर्त यही थी कि अगर वह हारती हैं तो आपके साथ जाएंगी, पर हारी हैं इसलिए इससे दूर रहो। कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं सूसी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ आज रात के लिए। जिस पर जैंग कहते हैं, ये मीटिंग खत्म हो गई है, आपकी पत्नी शायद आपको पिक करने आएंगी, और वह उसे गोद में उठा लेते हैं ले जाने के लिए। पर तभी पीछे से एमआई कहते हैं, क्या तुम मुझे मेरी पत्नी की धमकी दे रहे हो। जिस पर जैंग उसे सोफे पर बिठाते हैं और उसे अपने कोट से ढक देते हैं। मिस्टर लुई के पास जाता है, सूसी भी चुपके से आंख खोलकर यह सब देखती है। मिस्टर लुई उससे कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से मेरे पास क्यों आ रहे हो। जिस पर जैंग उनको एक जोरदार पंच मारता है, और जैंग की हरकतें हैं, इनको पंच पढ़ना भी चाहिए। तभी यहाँ पर मिस्टर लुई की वाइफ भी आ जाती है, जिस पर मिस्टर लुई जान से कहते हैं, तुमने मेरी वाइफ को यहाँ पर बुला लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पर जैंग उनको कोई भी आंसर नहीं करता और मिस्टर लुई की वाइफ से कहता है, आपके हस्बैंड ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है और उसके बाद वह बहुत ही वाहियात हरकत कर रहे हैं। जिस पर मिस्टर लुई से कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे, हर जगह तुमको सिर्फ मेरी इंसल्ट करनी है। और वह जैंग से माफी मांगते हुए कहती है, मेरे पति ऐसे ही हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप अपनी सेक्रेटरी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं।
जिसके बाद वह सूजी को बाहर लेकर आता है। सूजी अभी भी ड्रिंक करने का नाटक कर रही थी। वह जैंग से कहती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे जाने दो। जिस पर गैंग कहता है, मैं तुमको तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर दूंगा। पर सूजी मना करती है और वह यही सोच रही थी कि मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं। अगर मैंने नाटक करना बंद कर दिया तो ये समझ जाएगा कि मैंने सिर्फ पानी पिया है। वोमिटिंग का नाटक करती है पर जैंग उसको उठाकर कार में बिठा देता है। कार के अंदर सूजी बैठते ही जैंग से कहती है, मुझे कार से बाहर जाने दो वरना मैं तुम्हारी कार में फॉर्मेट कर दूंगी। जिस पर जैंग कहता है, यह कार मेरी नहीं बल्कि डोंग की है। जिस पर डैन सूजी की तरफ देखते हुए इशारा करता है, मैं अभी भी इस कार की किस्त भर रहा हूँ, हर महीने 2000 युवन। यह सुनकर तो वह बेचारी एकदम चुप हो जाती है। इसके बाद वह ऐसे ड्राइव करता है कि यह दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उनके बीच किस हो जाता है। जिस पर आगे से डोंग कहता है, आप दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं आ रहे। वैसे मैं जिस तरह से कार ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कम से कम इसके लिए 1000 युवन तो मिलने ही चाहिए। जिस पर पीछे से गैंग कहता है, सही कहा, जिस तरह से तुम ड्राइव कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी में से 1000 युवन कट हो जानी चाहिए। जिस पर दोनों हंसने लगते हैं। जैंग सूजी से कहता है, मुझसे ज्यादा चिपको मत, थोड़ा दूर होकर बैठो। जिस पर सूजी कहती है, यह सिर्फ अनजाने में हुआ, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। और वह सोने का नाटक करने लगती है। यह सब देखकर जेन को गुस्सा आ रहा था और वह सूजी से कहता है, तुम बहुत ही अच्छी सेक्रेटरी हो, तुमने अपना टास्क कंप्लीट किया, इसके लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। और वह उसको कार से बाहर धक्का दे देता। सूजी कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे घर से बहुत ही ज्यादा दूर ड्रॉप किया है। जिस पर वह कहता है, बिल्कुल सही कहा, अब यहाँ से खुद चली जाओ। जिस पर सूजी कहती है, मैं यहाँ से अकेले कैसे जा सकती हूँ। जैंग कहता है, मुझे नहीं पता। और वह कार ड्राइव करने को कह देता है और वहाँ से चला जाता है। जिस पर सूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहती है, यह बहुत ही ज्यादा बुरा है। इसके बाद जब जैंग थोड़ा सा आगे आ जाता है तो वह डोंग से कहता है, एक काम करो, कार को दोबारा पीछे लेकर चलो, वह बेचारी अकेली कैसे जाएगी। पर जब कार वहाँ पर वापस आती है तो वह देखता है कि सूजी किसी और की वैन में बैठकर वहाँ से जा रही थी। यह देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं कैसे भूल गया कि इसकी तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और वह डोंग से कार ड्राइव करने को कहता है। अब हम जिया और जियो को देखते हैं जो कि गैंग की कार में बैठे हुए थे। जिया जियो से कहती है, मॉम को तो बाहर निकाल दिया गया, अब हम क्या करें। जिस पर जियो कहता है, हमें कार से कूद जाना चाहिए। जिया कहती है, यह बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है, हम कार से नहीं कूद सकते। इसके बाद जब कार रुकती है तो वह चुपचाप दोनों कार से उतरने लगते हैं, पर जेन उनको देख लेता है। जिया जल्दी से अपने चेहरे को छिपाने लगती है। तुम तो वही लड़की हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर जियो जिया से कहता है, यह कौन है। जिया कहती है, यह वही आदमी है जो मुझे एयरपोर्ट पर मिला था। डोंग कहता है, ये दोनों बच्चे कितने ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल आपके जैसे लग रहे हैं, इनका चेहरा आपसे कितना ज्यादा मिलता है। जिस पर जिया डोंग से कहती है, क्या तुम्हें यह बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती, इसमें तुम करेक्शन कर रहे हो। डोंग कहता है, मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए। तभी जियो कहता है, इनका चेहरा मॉम की फोटो में जो हमारे डैड हैं उनसे कितना ज्यादा मिलता है। जिस पर जिया कहती है, यह हमारे डैड नहीं हो सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, हमारे डैड तो स्पेस में रॉकेट बना रहे हैं। ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। इस पर जियो कहता है, तुम्हें थोड़ी पढ़ाई करने की जरूरत है, स्पेस में कोई भी रॉकेट नहीं बना सकता। जिस पर वह दोनों को चुप कराती है और कहती है, बस बहुत हो गया, अब एकदम शांत रहो। और वह दोनों से पुलिस को बुलाने को कहता है और उन दोनों से कहता है, तब तक तुम मेरे साथ चलो। पर दोनों बच्चे जाने से इनकार कर देते हैं। जिया कहती है, तुम बुरे इंसान हो, इसलिए हमसे दूर रहो। यह सुनकर डोंग हंसता है। इस पर जुंग कहता है, मैंने आखिर तुम लोगों के साथ क्या किया है जो मैं बुरा इंसान हूँ। अभी जिया कहती है, चुप करो। और दोनों बच्चे जोर से पुलिस अंकल हमारी हेल्प करो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो अपने आप से बात है और इसके बाद यहाँ पर सूजी आ जाती है। सूजी को देखकर गैंग और जैंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि वह बच्चे सूजी को मम्मी कहकर बुला रहे थे। सूजी उन दोनों से कहती है, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। दोनों बच्चे सूजी से कहते हैं, हमको माफ कर दो, हमने आपको परेशान किया, आज के बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तभी जैंग उससे कहता है, ये बच्चे कौन हैं? सूजी जैंग को देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो,
जिस पर जैंग उल्टा उसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये बच्चे किसके हैं। वह गलती से कहती है, मेरा हाथ छोड़ो, पर हो उससे दोबारा सवाल करता है कि यह बच्चे आखिर किसके हैं। इस पर जिया कहती है, मेरी मॉम को हर्ट करना बंद करो और अपने डैड को कॉल करूंगी। ये सुनकर सूसी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहती है, बच्चे किसके होंगे, मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं। वह कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। वह कहती है, मेरे हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मुझे नहीं लगता मेरे बच्चों को ये जानने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। यह सुनकर जैंग थोड़ा सा शांत होता है। वह कहती है, मेरा हाथ छोड़ो। क्या वह उसका हाथ छोड़ देता है। फिर जैंग उससे कहता है, पर इनका फेस मुझसे इतना ज़्यादा क्यों नहीं मिलता। पर वह कुछ सोच कर बोलती है कि तुमसे नहीं मिलता, मेरे हस्बैंड भी दिखने में तुम्हारे जैसे ही थोड़े थोड़े, इनका फेस उनसे मिलता है। तो तुमने मेरा रिप्लेसमेंट ढूंढा, मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो। जिस पर वह कहती है, ख्वाब देखना बंद करो, बस मेरा टेस्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और उनको वहां से जाने को कहती है। वह वहां से जाने लगता है, तभी जीएसटी पीछे भाग कर जाती है और उस पर पत्थर फेंक कर मारती है, जो कि उसके पैर पर लगता है। ये देखकर जेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जिया कहती है, आज के बाद मेरी मॉम को गाली मत करना, वरना मैं तुमको बहुत ही ज्यादा मारूंगी। वह उसे ईविल चाइल्ड कहकर बुलाता है और उसे चिढ़ाकर वहां से भाग जाती है कि बाद हम अगली सुबह सूजी को उनके घर पर देखते हैं, जहां पर वह अपने बच्चों को बता रही थी कि उसको डिनर करने के बाद दवाई लेने की जरूरत है। जिस पर जिया कहती है, मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अपने भाई का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी, मैं उसको अच्छे से डिनर करा दूंगी और उसकी दवाई भी दे दूंगी। जाते जाते सूजी उन दोनों से कहकर जाती है कि दरवाजा मत खोलना, किसी अजनबी को अंदर आने मत देना, और उनको बाएं बोलकर वहां से चली जाती है। जब वह कंपनी आती है तो बाकी के एम्प्लॉइज को खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मैं मिस्टर लांस की सेक्रेटरी हूँ, हाल ही में कुछ चेंजेस आए हैं, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें। और वह बैठ जाती है। तभी बाकी के एम्प्लॉइज उसके बारे में बात करने लगते हैं। यह वही है जो मिस्टर के साथ इंटरव्यू देकर आई है। जिस पर एक एम्प्लॉय कहता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि पिछली बार जो लड़की मिस्टर लुई के पास गई थी, अगले दिन उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। और वह ये सब कहकर हंस रहे थे, तभी वहां पर जैंग आ जाता है और कहता है, लगता है तुम सबके पास काफी सारा फ्री टाइम है। जिस पर एक मेल एम्प्लॉय खड़ा होकर कहता है, दरअसल सर बात ऐसी है कि वह 3 दिन के बाद औरत है और हमारे साथ ही काम कर रही है, उसने मिस्टर लुई के साथ जरूर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जैंग कहता है, तुम बहुत ही समझदार हो, तुम्हें कंपनी की कितनी ज्यादा फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से शिफ्ट करके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में डाल रहा हूँ। और वह सूसी को केबिन में आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। सूसी जब केबिन जाती है तो जैंग कहता है, पर तुम्हारी बेटी ने जो मुझे इंजर्ड किया है उसका मुआवजा चाहिए। जिस पर सूसी कहती है, ठीक है मैं तुम्हें अभी पे कर देती हूँ। वह कहता है, टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी सैलरी से कट कर लिया है। जिस पर वह कहती है, ओके। और वह पेपर पढ़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मिलियन कट किए थे और यह तो उसकी बेचारी की सैलरी से भी ज्यादा था। वह कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो। जिस पर जैंग जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बेटी ने जितनी जोर से मुझे मारा है, मेरा पैर काफी ज्यादा दर्द कर रहा है। वह बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रही है। आज मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए जाना था, पर इस चोट की वजह से मैं नहीं जा सकता। उसका जितना भी नुकसान हुआ है वह तुम्हें देना पड़ेगा। वह कहती है, मेरे पास मास्टर डिग्री है, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम किस प्रोजेक्ट के लिए जा रहे थे। कहता है, मैं भेजूं ग्रुप के साथ अपने रिजॉर्ट को लेकर मीटिंग करने जा रहा था। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और वह दरवाजे पर लात मारकर दरवाजे को तोड़ती है। दोनों भाई बहन अंदर आते हैं और गेंट्स भी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मम्मी को परेशान करने की। वैसे भी हमने तुम्हें हर्म किया था, तुम हमारी मम्मी को परेशान नहीं कर सकते। इस पर वह कहता है, तो कॉम्बिनेशन कौन देगा। जिस पर जिया कहती है, मैं दूंगी। इस पर जिन हंसते हुए कहता है, एक छोटी बच्ची मेरी बॉडीगार्ड बनेगी। इस पर सूसी कहती है, आइडिया बुरा नहीं है। जिया भी कहती है, आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेरी बहन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल है। इस पर जिन चिढ़ते हुए कहता है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, मेरे पास पहले ही बहुत सारे अच्छे बॉडीगार्ड्स हैं। जिया कहता है, तुम मेरी बहन को बॉडीगार्ड बना लो, इससे तुम्हारा ही फायदा है। इस पर जैंग कहता है, ठीक है लेकिन तुम्हारी मॉम को भी मेरे घर में काम करना होगा और मैं इसकी सैलरी तुम लोगों को हर वीक का 8 मिलियन दूंगा। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और सूसी बोलती है, ठीक है। इसके बाद हम सूसी को जैंग के घर पर देखते हैं, जो किसके लिए खाना बनाकर कहती है, मैंने खाना बना दिया है,
अब मुझे घर जाना है। जिस पर जैंग उसे टाइम दिखाते हुए कहता है, रात के 3 बज चुके हैं, तुम इतनी रात गई नहीं जा सकती। जिस पर सूसी कहती है, कोई बात नहीं। वह उसे पर्दा हटाकर दिखाता है कि बाहर कितना अंधेरा है। यह देखकर वह डर जाती है और कहती है, ठीक है, मैं यहीं पर गेस्ट रूम में सो जाऊंगी, और उसकी बगल में ही बैठने लगती है। पर वह उसे यह कहते हुए खड़ा कर देता है कि पहले तुम्हें शॉवर लेना चाहिए। जिस पर वह कहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है। इस पर जैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, और उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले जाता है। उसके बाद हम जैंग को वॉशरूम के बाहर खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि तौलिया लेकर खड़ा था और वह सूसी को तौलिया पकड़ाता है। तभी लाइट चली जाती है। सूसी जोर से चिल्लाती है तो वह वॉशरूम के अंदर चला जाता है और तभी लाइट आ जाती है। वह खुशी को बहुत ही ध्यान से देखता है और उसे वहां से भगा देता है। इसको नींद ही नहीं आ रही थी और यह सिर्फ सूसी के बारे में ही सोच रहा था कि अभी वॉशरूम में क्या हुआ था। इसके बाद वह आखिरकार सोने की कोशिश करता है। उसके ख्वाब में आता है कि तुम बिल्ली की तरह तैयार होकर इसके पास आई हो, और यह घबरा कर उठ जाता है। इसके बाद फिर से सोने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब यह उठता है तो सूसी उसके सामने खड़ी थी और उसे कहती है, तुम रात भर मेरे बारे में ही सोच रहे थे, और उसके पास आकर इसे किस करने लगती है। इसी के साथ इसका ख्वाब टूट जाता है। वह रात को उठकर जाता है तो सूसी सोफे पर सो रही थी। उसे देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसके बैग से लिपस्टिक निकालकर सूजी के चेहरे पर लगा देता है। अगली सुबह उसकी आंख सूजी की चीख से खुलती है और वह उसे मारना शुरू कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे के साथ ऐसा करने की? तुम्हें पता भी है वह लिपस्टिक कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी कीमत पूरी 50,000 रुपए है। जिस पर जैंग कहता है, तुमको पता है जो टी शर्ट तुम मेरी खींच रही हो उसकी कीमत 60,000 रुपए है, और इस कंबल की कीमत 14,000 रुपए है। जिस पर सूसी कहती है, वह वाकई में तो ठीक है, और अपने चेहरे को अपने कंबल से साफ करने लगती है। वह उसे रोकता है और ये करते करते वे कंबल के अंदर चले जाते हैं। तभी उनकी नजर जिया पर पड़ती है, जो कि दोनों के साथ वहां पर आई थी अपनी बॉडीगार्ड की नौकरी करने। वह दोनों ही उसे देखकर कंबल के अंदर छिप जाते हैं और जिया उन्हें देखकर वहां से बाहर चली जाती है। इसके बाद दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं तो जिया जैंग से कहती है, क्या आप मेरी मम्मी को पसंद करते हैं? जिस पर सूजी उसे रोकती है। इसके बाद हम उसी को कंपनी में देखते हैं, जहां पर जिया और सूसी उनके लिए टिफिन लेकर आती हैं और बताती हैं, गॉड मदर ने यह आपके लिए दिया है। पर यहां पर इन्हें वही मेल एम्प्लॉय देख लेता है जिसे सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया था, और वह यहां पर उसकी वीडियो बना लेता है। बच्चों के वहां से जाने के बाद जैंग वहां पर आता है अपनी कार लेकर, और वह सूसी से कार में बैठने को कहता है। जैसे ही सूसी कार में बैठती है तो वह जैंग के फोन में उसका प्रोफाइल फोटो बहुत हल्का सा देख लेती है और कहती है, मुझे प्रोफाइल फोटो देखना है, और उससे फोन छीनना शुरू कर देती है। इसी छीना झपट्टी में कार हिलने लगती है और यह दोनों काफी ज्यादा क्लोज जाते हैं। बाहर से वही सिक्योरिटी गार्ड यह देख लेता है और इसकी वीडियो बना लेता है। इस पर जैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसी से कार से उतर जाने को कहता है। इसके बाद हम सूसी की बहन को देखते हैं, जो बताती है कि उसके बारे में एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। इसके बाद सूसी और उसकी बहन कहती हैं, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो, तुम दूसरे आदमी को फंसाती हो, तुम दो बच्चों की माँ हो। तभी जैंग वहां पर आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? जिस पर वह सारी बातें उसे बताने लगती है। साथियों, मैंने उसे पार्किंग में किसी और आदमी के साथ देखा। इस पर वह सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ पार्किंग में ले जाकर कहता है, तुमने किस कार में देखा? वह इशारा करते हुए बताता है कि इस कार में। इस पर जैंग उसकी चाबी निकालकर उसे कार खोलकर दिखाता है। सिक्योरिटी गार्ड यह देखकर शॉक हो जाता है और माफी मांगता है, जिस पर जैंग कहता है, मुझे जल्द ही तुम्हारा रिजाइन लेटर अपने टेबल पर चाहिए, और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम सूसी को उसके घर पर पोछा लगाते हुए देखते हैं। जैंग जानबूझकर कक्षा गिरा रहा था, जिस पर सूसी को गुस्सा आ जाता है। वह किचन में आती है तो गुस्से में चॉपिंग करने लगती है, जिससे नफ उसके हाथ में लग जाता है। उसकी चीख सुनकर जैंग जल्दी से वहां पर आता है और बहुत ही गुस्से में उससे कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? और वहां से फर्स्ट एड लेने जाता है। सूसी तब से अपना जख्म धोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह तोड़ देती है। तभी वहां पर जैंग कहता है, बेवकूफ, पानी से नहीं धोया जाता, और बहुत ही प्यार से उसे दवाई लगाने लगता है। बस फिर क्या था, यह दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। पर जैंग जल्दी से उसे खुद से दूर करता है और वहां से बाहर चला जाता है।
सूसी उसके पीछे पीछे आती है और कहती है, मुझे घर पर जाना है। जैंग कहता है, बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है, पर वह जाने की जिद करती है। जिस पर जैंग कहता है, अगर तुम गई तो मैं 1 मिलियन में से 4 मिलियन कर दूंगा। ये सुनकर उस बेचारी को झटका लग जाता है और वह जाकर जुंग को बटर लगाने लगती है। अगली सुबह जब सोकर उठकर आता है तो वह दोनों बच्चों और सूजी को देखता है तो स्माइल करने लगता है। उसे एक परिवार जैसा फील हो रहा था। तभी सूसी उससे पूछती है, तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? जिस पर वह सूची को पीछे धकेलते हुए आगे जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं जो कहती है, मॉम, बच्चे हमको स्कूल में बोलते हैं कि हमारे डैड नहीं है। जो भी कहता है, सही कहा, सब हम पर हंसते के डैड स्पेस में रॉकेट कैसे बना सकते हैं बेटा। कोई बात नहीं, होता है। और वह सिखाने के लिए ब्रेड देती है। इसके बाद वह उन दोनों बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करती है। यहाँ पर आते ही एक मोटी औरत उनसे कहती है, तो तुम्हारे फादर साथ नहीं आए? ये कितनी बकवास बात है। सूसी अपने बच्चों के साथ गेम स्टोर जाती है, जहाँ पर एक औरत उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को सेड्यूस करने की? और उसकी इज्जत को इंसल्ट करती है। तभी वहाँ पर जैंग आता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम सूसी को उसके लंग के घर देखते हैं, जहाँ वह किचन में नूडल खा रही थी। तभी जैंग आता है और उसे देखकर वह अपना पास्ट याद करता है, जहाँ पर सूसी उसके लिए नूडल बना रही थी। जैंग उसके पीछे आता है और उसे गले लगाता है, पर तभी सूसी उसकी खबर तोड़ देती है। जैंग वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश करता है और खुद से कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद हम जेन को एक पार्टी में देखते हैं। दूसरी तरफ सूसी नशे की हालत में एक रूम में जाती है, जहाँ पर उसके पीछे वही ऑफिस वाला आदमी आता है और उसके साथ गलत करने लगता है और वीडियो भी शूट करता है। वह कुछ कर नहीं पाती। तभी वहाँ पर जैंग आकर उसे बचाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद सूसी उसे गले लगाती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उसे बताती है कि वह उसकी जान बचाने के लिए उससे दूर गई। जैंग उसे किस करने आगे जाता है, पर वह वोमिट कर देती है। जैंग को पता चल जाता है कि वह बच्चे का असली बाप है, जिस पर वह पहले तो पैन वकील से मिलता है और फिर अपना सामान उठाकर सूसी के घर जाता है, जहां पर वह उसे बताता है, मैं सब जानता हूं, और उससे दूसरा चांस मांगता है। अगले दिन जब ये लोग कंपनी जाते हैं तो वह एम्प्लॉय आकर पहले तो जैंग से माफी मांगता है। जब वह माफ नहीं करता तो चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है और वह सूसी पर हमला करता है, पर जैंग उसे कवर करता है और जिया उसे गिरा देती है। अब हम इन दोनों को कैबिन में देखते हैं, जहां इनका रोमांस चल रहा था। तभी एक एम्प्लॉई आती है और प्रोजेक्ट को लेकर रिपोर्ट दिखाती है, पर उसने सारा वर्क गलत किया टोकती है, जिस पर हंगवान उसको डांटता है, जिससे वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और घर आकर सबको बताती है कि सूसी मजब मिस्टर जंगन को फंसा रही है। जब वह सूसियन वॉशरूम जा रही है तो उसको लॉक कर देती है। जंगे उसको ढूंढता है पर वो उसको नहीं मिलती। दूसरी तरफ सूसियर बेचारी जैसे तैसे वहां से निकलती है, पर तभी वहां पर हंगच आ जाता है और बस जंगन को हंसी आती है, जिस पर वो गुस्सा करती है। उसको मनाने के लिए वो उसको शॉपिंग पर ले जाता है, जहां शोरूम का ओनर उससे काफी बदतमीजी करता है, तो एक सोशाओ पर नाम की लड़की आकर डांटती है और उसकी दुकान को बर्बाद करके रख देती है। जंग वहां आता है और सूसिन को बताता है कि ये उसकी बहन है। सूसिन उनसे मिलती है। ये दोनों यहाँ से निकल रहे थे, तभी एक लड़की आकर जंग से चिपकने लगती है, जिस पर वो उसको कहता है, सूसी मेरी वाइफ है, मुझसे दूर रहो। ये दोनों घर आते हैं तो चाओ यहाँ पहले से थी और बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके बाद वो बैठकर शाह सूसी नान से बात करती है और वो ना सूसी नान से इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहाँ वही लड़की आती है। दरअसल जंगसोन की माँ ने इससे जंगसोन की शादी फिक्स की थी, इसीलिए वो चैन से पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, पर वो जंगसोट उसे वहां से भेज देता है। रात को जंगसोट और जासूसी में सो रहे थे, तभी उनके पास कॉल आती है और वो जल्दी से घर से निकलते हैं। वो जंग जिसकी शादी को जंगकान से हो जाए उसकी माँ चाहती है। जंगकान वहां पर पड़ी थी और उसके हाथ पर बंधे थे। जंगकान उसको खोलता है और वो उसको हग कर लेती है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां वो आ जंगायन से बहुत ज्यादा चिपक रही थी और ये चीज जाओ मिनायन और बां सुसीनायन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसीलिए ना सुसीनायन उसकी सच्चाई पता करती है और यह जंगाडर के सामने लेकर आती है। जंगायन की माँ आती है और वो नए सुसीनायन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो उसको बताती है कि कल मैं अपने बेटे की शादी व जुनाइन से कर रही हूँ और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ने जंगखाई ने जंगयन का किडनैप कर लिया था, पर नए जियाई आकर उसको बचा लेती है। अब हम उसकी माँ को देखते हैं। यहाँ पर बे मिस्टर अहरानवेज आते हैं।
जंगयज उनको देखती है तो कहती है, आप तो सबसे रिच पर्सन हैं वर्ल्ड के। तभी उनकी कार से बयान सुसियानर बाहर आती है। उसको देखकर सभी चौंक जाते हैं। अहरानगर बताते हैं ये मेरी बेटी है, और वो जुनात की फैमिली को एक कॉल करके बैंकक्रप्ट करा देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हमदा जंग गनन और सुसियत को कार में देखते हैं। जंगय सुसियत से कहता है, हम मैरिज सर्टिफिकेट कब लेने चलेंगे? वो कहती है, कभी भी। तभी मैं साउदर आती है और सर्टिफिकेट देती है। दोनों बच्चे भी कार से बाहर आते हैं और उनको मैरिज गिफ्ट देते हैं। जंग और नौ सुसी बैडियास उनको गोद में लेते हैं और ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।